कश्मीर में एक सरपंच अजय पांड्या के आतंकवादियों द्वारा की गई निर्मम हत्या के विरोध में आज कांग्रेस ने सांबा के मुख्य चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करके सरपंचों को सुरक्षा देने की मांग उठाई। इस मौके प्रदर्शन में युवा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा प्रमुख रूप से मौजूद थे। हाथों में बैनर लेकर कांग्रेस ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर यह प्रदर्शन किया और सरपंचों को सुरक्षा दो, गृह मंत्री मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। इस मौके पर बोलते हुए युवा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित सरपंच की हत्या करना बहुत ही निंदनीय है और साफ दिख रहा है कि केंद्र सरकार सरपंचों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल हो गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना की इस महामारी में सरकार के मंत्री चुनावों की तरफ ध्यान दे रही है और जहां पर आतंकवादी सरपंचों की हत्या करने में लगे हुए हैं और सरकार उस पर विफल है। उन्होंने कहा कि यही हालात रहे तो आने वाले समय में लोग लोकतंत्र की प्रणाली में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि इससे आतंकवाद हावी हो गया है। वहीं उन्होंने कहा कि सेना ने पिछले कुछ दिनों से आतंकवादियों की कमर तोड़कर रख दी है जिससे वे पूरी तरह से बौखला गए हैं। इस मौके पर मिक्की थापा, गौरव शर्मा आदि मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया गया जो दिल दहलाने वाली घटना जो कश्मीर में हुई है, इस संदर्भ में आज एक घर का चिराग बुझाया गया और हमारे सरपंच की निर्मम हत्या की, इसकी हम पुरजोर मजम्मत और कड़ी निंदा करते हैं। वो बौखलाए हुए आतंकवादी पागल कुत्तों की तरह अब कहीं ना कहीं अपने आप को हताश महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे फौजियों ने उनकी कमर तोड़ के रखी थी और एक निर्मम या निहत्ते सरपंच की उन्होंने आज हत्या की है। इसका हमने पूरा जोर आज ये प्रदर्शन इस लॉकडाउन में, इस महामारी में हम चाहते थे, कम से कम हमारे लोगों ने चाहा कि हम अपने दिल की जो गहराइयों से उसके जो हम क्या है निंदा करते हैं और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं सरपंचों को सुरक्षा देने में विफल साबित हुई है और लगातार अपनी राजनीति रोटियां सेकने में लगी हुई हैं। कहीं ना कहीं हमारी फोर्स का मनोबल भी गिरता है और अपने आप को खतरे में रखकर एक कश्मीरी पंडित ने सरपंच का जो कहा जाए लोकतंत्र में हिस्सा लिया और उसकी हत्या हो गई तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। बहुत जोर से हम इसकी निंदा करते हैं, बहुत कड़े शब्दों में इसकी हम निंदा करते हैं और ये कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं सरकार विफल साबित हुई है। मिनोरिटी को वहाँ सुरक्षा नहीं मिल पा रही और एक साइकोलॉजिकल साथ साथ एक मैं कह रहा हूँ एक अटैक हुआ है कि कहीं ना कहीं जो कश्मीरी पंथ घाटी में वापस जाने की कोशिश कर रहे थे वो सारी विफलता सरकार के ऊपर इसका दोष जाता है। और दूसरा ही कहीं ना कहीं पागल कुत्तों की तरह भड़काए जो भड़के हुए आतंकवादी हैं उनके हाथ में अब कुछ नहीं है और वो जो निहत्ते लोगों पे बार करके उनको मार के लगातार ऐसी घटनाएं होती आ रही हैं तो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक घटना है और केंद्र सरकार को भी इससे गंभीरता से लेना चाहिए। कैसे आप इन लोगों को वापस भेज सकेंगे और इस महामारी के दौरान भी आपसे ये आतंकवाद काबू में नहीं आ रहा है तो किस चीज़ की आप बड़ाई करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज के लिए न्यूज ऑनलाइन के बेल आइकन को दबाएं।